अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज एक नए अपडेट के साथ फिर से आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो मेरा सारे वीडियो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को स्किप ना करेंगे, क्योंकि भाई एक सेकेंड भी स्किप करते हो तो इन्फॉर्मेशन छूट जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मैं आपको जहेज के रिलेटेड, सऊदी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ टाइम टू टाइम। तो आज के वीडियो शुरू कर आपको मैंने एक पोल डाला था, जो कि दोबारा से इंटरव्यू हो चुका है हमारा, पिछले काली इंटरव्यू हो चुका है। तो उसके लिए मैंने पोल डाला था, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ वीडियो बनाओ, कमेंट भी कर रहे थे वीडियो बनाओ। तो भाई उसी के रिगार्डिंग वीडियो होने वाली है। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। जब हम इंडिया में थे तो इंडिया में हमारा तीन तीन बार इंटरव्यू हो चुका था। एक बार हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भेजा था, तो इंडिया में तीन बार इंटरव्यू हो गया हमारा। तो सऊदी आने के बाद फिर से जहाँ इसके हेड ऑफिस में जाके एक बार इंटरव्यू हुआ, चलो ठीक है, इधर भी इंटरव्यू दे दिया हमने, इंशाल्लाह हमने पास कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि भाई पास अगर फेल करते तो एग्जिट भेज देते, ऐसा सुनने को मिला था। तो चलो इंटरव्यू इधर भी दे दिया। फिर से कल दोबारा इंटरव्यू हुआ हमारा, और मतलब हमारा नहीं, सारे बंदे का, जो जहाज ऑफिस में जितने लोग पास किया था फेल किया था सबको इंटरव्यू ले रखा है। सॉरी सबको नहीं, जो लोग फेल किया था उनका अभी उनका नहीं लिया था कल, और जो जितने पास किया था उनको इंटरव्यू दोबारा से ले लिया। लेकिन मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जहाज में जो इंटरव्यू हो रहा था वो सिंपल सा था, वो इतना हार्ड नहीं था। तो भाई मेरे भाई आप, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अब जो इंटरव्यू होने वाला है ना, जो होता है अभी हो रहा है, बहुत ही हार्ड है भाई। इतने आसानी से आप पास नहीं कर पाते हो, क्योंकि भाई इसमें कुछ ज़्यादा ही सवाल होते हैं। पूरा मतलब इंग्लिश कम से कम आपको 80% आना चाहिए, कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम 80% आना चाहिए, 70-80%, क्योंकि इधर कन्वर्सेशन बहुत ही लंबा है, और आपको अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश आते तो भाई आप पास नहीं करने वाला, आपको फेल ही करेगा। क्योंकि उधर एक बंदा हमारा पास हो गया है जहाज ऑफिस में, तो इधर आके फेल कर दिया उस बंदे को। भाई अच्छी खासी इंग्लिश भी आ रही है, वो भी फेल हो गए, तो भाई दिमाग ख़राब हो गए। मैं तो चलो पास हो गया, अपने रूम में दो बंदा फेल हो गए, एक का इकामा भी आ गया, उसका भी फेल कर दिया। तो सुनने को मिल रहा है कि जो लोग फेल कर रहे हैं उनको कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने को मिलेगा। क्योंकि अगर तुम बात नहीं कर पाते हो कस्टमर से, तुम कैसे डील करोगे? जब तुम होटल में जाओगे तो खाना कैसे पिक करोगे, ऑर्डर कैसे पिक करोगे? अगर तुम इंग्लिश में भी बात नहीं कर पाते हो, अरबिक में भी बात नहीं कर पाते, तो भाई मसला तो होगा ना। तो आप डिलीवरी कैसे करोगे, ड्यूटी कैसे करोगे? इसलिए जो सुनने को मिल रहा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं, मतलब इनका जो सप्लायर है हमारा, वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम निकाल रहा है अपना, तो उसी में डालेगा। तो बस भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, देखो मैं तो पास हो गया। तो जितने भी नए लोग आने वाले हो, जितना जिसका भी वीज़ा स्टैम्प हो चुका है, उनके लिए एक और खबर भाई दे दूँ आपको, मतलब खबर तो नहीं भाई, कोई भी अपडेट नहीं है, आप लोग मैसेज करते रहते हो बस, लेकिन भाई कोई अपडेट ऐसा नहीं है, आपका फ़्लाइट कब किया जाएगा। तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, देखो आपका फ़्लाइट क्यों रोका गया है, मतलब हमारे सप्लायर में बंदे ज़्यादा हो गया, कम से कम 11,000 लोग हो चुका है, जबकि टारगेट था 10,000, तो अभी बंदे ज़्यादा हो गया। तो आप इंटरव्यू लेके जो ज़्यादा परफेक्ट है उसी को काम पे लगाएगा भाई। कल भी 4-5 बस भर के जा रहा था भाई, इंटरव्यू दे के आया है, आज भी इंटरव्यू ले रहा है, और जितने भी फेल किया था उनको आज बुलाया गया है हेड ऑफिस में। अभी पता नहीं उनका क्या होगा, अल्लाह जाने बेहतर। तो भाई दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं और कितना इंटरव्यू लेगा। अगर भाई इस तरह का इंटरव्यू लेगा तो मुझे लगता है कि IAS, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि IAS की तैयारी कर रहे हैं हम, क्योंकि इतना हार्ड इंटरव्यू हो रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब UPSC का एग्ज़ाम दे रहा है ऐसे लग रहा है मुझे भाई। हंस तो रहा हो भाई, अंदर से बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अपना बंदा भी एक फेल कर गया, तो भाई उसके लिए बहुत अफसोस हो रहा है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब करके रखो, ताकि दोबारा आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको दे सको। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।